बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपको बनाना सिखा रहे हैं घर में जो बासी चावल रखे होते हैं एक दो दिन के सादे चावलों की। आज आपको मैं तहरी बनाना सिखा रही हूँ बग़ैर टमाटर के और दही के। एक देगची में आप थोड़ा सा घी गरम करें, उसमें ज़ीरा डालें। ज़ीरा डालने के बाद उसमें आप पानी ऐड कर दें ताकि ये ज़ीरा जले नहीं। उसमें नमक, कुटी हुई मिर्च, दो हरी मिर्चें, दो लेमन, और अगर आपके घर में चिकन पाउडर है या चिकन क्यूब्स है वो ऐड कर दें। इस मसाले को आपने अच्छे तरीके से भूनना है, ठीक है। ये देखिए मैं सब चीज़ें ऐड कर रही हूँ, ये सब चीज़ें ऐड कर दी इसके अंदर। अब इसके अंदर आपने हरी मिर्चें डाल दी हैं, क्यूब्स डाल दें। ये सब चीज़ें डालने के बाद आप इसको भून लें। ये तहरी इतनी मज़े की लगती है, इतने मज़े की लगती है कि आप जो घर में आलू की तहरी बनती है वो खाना भूल जाएंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें मसाला भुन गया है, इसमें अब आप ये चावल डाल दें। मेरे पास बासी चावल थे, इसमें आप जर्दे का रंग लगा दें। ये 5 मिनट बाद देखें इतना अच्छा दम लग गया है, इतने मज़े की VIP चावल बन चुके हैं हमारे। इसे आप जो मेरी चटनी की रेसिपी है उससे खाएँ या हरी मिर्चों से खाएँ, जो मेरे आपको चैनल पर तल के दिखाई थी मिर्चें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।